राम राम भाई सबने। तो भाई आज एक बहुत तगड़ो टॉपिक लेकर आया हूँ मैं कि भाई हम जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो भाई जीके की प्रिपरेशन कैसे करें। जीके भाई देखो, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, इन सब में क्या है, एक भाई एक मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ये है मतलब एक वो होता है, मतलब भाई हाँ भाई पता है भाई इस चैप्टर में इस क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, मतलब एक वो होता है, समझ गए होंगे। लेकिन जिक्के क्या है, जिक्के का कोई सार नहीं है, जिक्के भाई कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। अब भाई दिल्ली पुलिस के आपने एग्जाम दिया होगा, दिल्ली पुलिस की जिक्के बहुत हार्ड आई, सीधी बात है। देख भाई जिक्के में ऐसा है, मैं चाहे कोई 30 मार खान हूँ या फिर आप कोई 30 मार खाऊं या फिर आप एकदम डफर हो कुछ हो, लेकिन जिक्के ऐसी चीज है, मतलब अगर मान लो आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है और उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिक्के का, कोई बढ़िया सा कोई स्टैट आ गया, स्टैट्स आ गए, कुछ स्टैटिक जिक्के आ गई, तो क्या है कि मतलब कहने का मेरा मतलब यही है कि जो जिक्के है ना, जिक्के में कोई इंटेलिजेंट नहीं है और कोई वीक नहीं है, कुल मिला के कहने का मेरा मतलब यही है भाई। मेरा अगर आज मैं फोन चला रहा हूँ और कुछ आ गया भाई इंस्टा पे रील में कुछ भी आ गया, कोई भाई जनरल नॉलेज थी तो वो क्वेश्चन मेरा आ गया और कोई पेपर में आ गया तो मैं कर आऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि भाई जिक्के में ना कोई इंटेलिजेंट है ना कोई वीक है, सब एक है। मैं मुझे जितनी जिक्के आती है उतनी आपको आती है, उतनी पड़ोसी को आती है, उतनी और किसी को आती है, सीधी बात है। लेकिन क्या है भाई, मैं एक चीज देखता हूँ, ये जो मैं पता है क्या करता हूँ, रोज दो तीन एक दो मतलब जो टॉपर्स होते हैं ना सीजीएल में, सीपीओ में, जो भी है फलाना ढिकड़ा, उनके मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, जो भी यूट्यूब पे आप मिल जाएं खूब बहुत सारे, तो मैं इंटरव्यू देखता हूँ तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमने जो जिक्के है ना ल्यूसेंट पढ़ी है, ल्यूसेंट जिक्के, वो ये बात कहते हैं भाई। देख वे टॉपर है तो मेरा से ज्यादा ज्ञान होगा उनको, ये बात मानते हो है। लेकिन मैं पता है मैंने भाई मेरी जिंदगी में कभी ल्यूसेंट जिक्के आज तक कभी पढ़ी नहीं है। अब मैंने मेरी जिंदगी में कभी ल्यूसेंट नहीं पढ़ी ना, कभी किताब ही नहीं खरीदी है मैंने ल्यूसेंट कभी जिक्के, ठीक है, मैंने मेरी जिंदगी में कभी ल्यूसेंट जिक्के किताब नहीं खरीदी, ठीक है। मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं भाई फोन चलाता रहता हूँ पूरे दिन, 24 घंटे में से 8 घंटे सोता हूँ, बाकी 16 घंटे फोन चलाता हूँ, 8 भी नहीं सोता मैं, 4 घंटे सोता हूँ, 20 घंटे फोन चलाता हूँ बस, 4 घंटे ज्यादा मैं कभी नहीं सोता। तो फोन चलाता रहता हूँ, कुछ वैसे रील देखता रहता, कुछ जनरल नॉलेज क्या आ गई वो याद कर लेता हूँ कुछ वैसे। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब, मैं जिक्के पता है कहाँ से पढ़ता हूँ, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूँ या इंस्टा पे चलता रहता हूँ, ये है वो है फलाना, आ जाते हैं क्वेश्चन खूब दुनिया भर के क्वेश्चन, तो मैं तो वहीं से पढ़ता हूँ कुछ भाई, थोड़े बहुत करंट वगैरह ही भाई मैं क्लास लेता हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, बाकी जो जिक्के है ना वो मैं वहीं से लेता हूँ। अब सुनो, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, मेरे दिल्ली पुलिस में आए हैं भाई 20 नंबर 50 में से जिक्के में, ठीक है, तो भाई ऐसी तो बात नहीं बनेगी, कम से कम 30 नंबर चाहिए, 35 नंबर लिखता जब कुछ होता, कहने का मतलब ये भाई ल्यूसेंट पढ़नी पड़ेगी, सीधी बात है। आज मैं एक फ्रेंड है, फ्रेंड तो क्या है लाइब्रेरी में है, उसकी एक किताब लिख के आया हूँ, वो उसके पास ल्यूसेंट थी, मैं बोला भाई, एक मेरे साइड वाले गांव का है कि भाई तेरी मैं ले लूँ बुक, वो बोला ले ले, मैं बोला भाई तुझे जब भी चाहिए ना ये किताब उस दिन बता देना, अगर तू दे सकता है मेरे को तो मतलब दे दे, वरना मैं नहीं तो खरीदूंगा, सीधी बात। बोलो ठीक है ले, तू भी क्या याद रखना, ठीक है, तो मैं उसकी किताब लिख के आया हूँ। अब मैं पता है क्या करूँगा, अब मैं जिक्के है ना ल्यूसेंट जिक्के भाई शुरू से लेकर लास्ट तक टोटल 354 पेज है, आज मैं देख के आया हूँ उसमें, 354 के 354 पेज में पढ़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो साइंस है ना उसको छोड़ दूंगा। साइंस भी क्या है भाई, देख मैं इंग्लिश मीडियम का साइंस हूँ और उसमें है हिंदी मीडियम की साइंस, तो भाई बहुत कम समझ में आएगी मेरे, तो क्यों टाइम खराब करूँ उसके ऊपर, वैसे ही पढ़ लूंगा साइंस के कुछ क्वेश्चन है। साइंस भी क्या है कि यार फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, ये ऐसा यूनिट वगैरह, अब पता नहीं हिंदी में मात्रा की यूनिट ऐसे कुछ कहते होंगे, जो भी आप कहते हो मुझे नहीं पता भाई। मैं पढ़ूंगा एक पेज नंबर से लेकर 354 पेज तक, कितने दिन में पूरी हो ये मुझे भी नहीं पता, जितने दिन में पूरी होगी मैं करूँगा, रोज मैं 1 घंटा पढ़ूंगा जिक्के। अब सुनो, मैं भाई आज का टाइम में मैं भी उस किताब में जीरो हूँ, आप भी उस किताब में जीरो, सीधी बात है।
आपने भी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तभी मेरी वीडियो देख रहे हो, सीधी बात। अगर आप इतने 30 मार्क हाँ होते तो ये वीडियो ना देखते ना, सीधी बात है, काम की बात यह है। तो भाई देखो, एक घंटा थम भी दे सको हो और एक घंटा मैं भी दे रोज, तो मैं सरूसी पढ़ रहा हूँ के करूँगो रोज, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मतलब इम्पोर्टेंट जो लाइन्स है ना वो उनका अंडरलाइन करते रहूँगा मार्कर से, ठीक है। और यूट्यूब पे मैं लाइव चल लूँगा एक घंटा रोज, एक एक घंटा क्लास लूँगा, जितना एक पेज कवर है, दो इंच चार इंच जितना पेज कवर, शुरू से लेकर शुरू वाला टॉपिक है, शुरू वाला भारत का इतिहास है, उसमें प्राचीन इतिहास। भाई साहब आज मैंने दो पेज पढ़े हैं भाई साहब, दो पेजों में भाई साहब सच में भी सही गाया करता टॉपर। हाँ भाई ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी। दो पेजों में मैं कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, 10 क्वेश्चन जो भाई SSC में पूछे गए हैं, इतना भाई मैंने एक्सपीरियंस है, वो सिद्धि बात है। तो शुरू के दो पेज मतलब एक पेज और उसके साइड वाला मतलब दो पेजों में कम से कम 10 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले हैं भाई जो पूछे गए हैं। तो भाई आज मैंने वो वीडियो एक घंटे की मैंने बना दी है, इस वीडियो के बाद मैं वो अपलोड करूँगा। तो मैं रोज मैं क्लास लूँगा, आप भी मेरे साथ। आज फिर आज से 2 महीना 6 महीना बाद मैं पता ना कित मिलूँ, आप कहाँ मिलूँ, फिर कहोगा भाई यार जिक्के ना आवे क्या करा यार, जिक्के मान तो मत भरवाओ इसे यार, मैथ में मैं कर दूँ स्कोर और रीजनिंग में कर दूँ, हिंदी में इंग्लिश में यार भाई जिक्के। भाई साहब सुनो मेरी बात, जिक्के आज का टाइम में आपने पता ही उसकी RPF की कॉन्स्टेबल की वैकेंसी निकलेगी, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसमें भी भाई जिक्के सबसे ज़्यादा 35 नंबर की शायद, पक्का तो मुझे ध्यान नहीं इतना, सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो जिक्के का, ये सब भाई आज का टाइम में जिक्के कम को नया। लेकिन यह है जिक्के में फुल मैच फुल तो ना ले सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो भाई शुरू से पढ़ूंगा, हाँ करंट अफेयर्स तो उसमें मिलेगी नहीं, करंट अफेयर्स भाई मैं तो यूट्यूब पर पढ़ाया करूँ, आप भी कितना कितना कोई ना कहे मास्टर से पढ़ लो। मैं पता है किससे पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स, नाम मैं लूँगा नहीं, बाकी जो 5-7 दिन में हर 5-7 दिन में एक ट्रेंडिंग मारती रहती है उनकी वीडियो, तो मैं उनसे करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। आप समझ गए होगे मैं क्या किसका जिक्र है, जो ट्रेंडिंग वाला पोर्शन है यूट्यूब पे उसमें आती रही हर 5-7 दिन में, परसों परले दिन भी आ रही थी ट्रेंडिंग उनकी वीडियो, मैं रोज़ उनकी वीडियो देखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, वो हो जाती है। बाकी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी भाई जिक्के सीधी बात है ऐसी वो आएगी। आज मैंने दो पेज कवर किए, पता है कैसे पढ़ाऊंगा, अब भाई जो भी है पहले पेज में सब कुछ मैं बोल बोल आपको समझा रहा हूँ, समझाऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसके ऊपर मैंने जो मार्कर होता है उसे मतलब वो कर रखा है, बोल्ड कर रखा है मार्कर से, मैं सब कुछ समझा रहा हूँ भाई। आप वो वीडियो देखो, रोज़ आएंगे एक घंटा की वीडियो रोज़ डेली। तो देखो जिक्के मैं आज मैं शुरू कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि अब मेरे साथ चलो, फायदे में रहोगे, बाकी भाई आपकी मर्जी है, कुछ वो तो हाथ नहीं है। एक घंटा और सुनो जिक्के ऐसो है, ऐसा चैप्टर मतलब ऐसा वो से सब्जेक्ट मज़ा आई चाहिए जिक्के पढ़ने में, इंटरेस्टिंग है दुनिया मतलब फैक्ट वगैरह पता लगे है तो जिक्के इंटरेस्टिंग है। मैंने भाई सुनो मेरी बात सुनो, मैंने 2019 में जिक्के मतलब 12th करी थी, मैं नॉन मेडिकल ले रखी थी, तो कुल मिला के जिक्के मैंने पता है कब पढ़ी थी, 10th में पढ़ी थी, 10th की 2017, वो भी SSC सोशल साइंस जो बोलते हैं, 11th 12th नॉन मेडिकल, 11th 12th 2011 12th 12th मेरे पास नहीं थी जिक्के। फिर आता 2019 में 12th की, 2019 में भाई साहब मैंने कुछ नहीं आया कर तो जिक्के में कुछ भी एकदम गोल्ड थो। 2020 जब कोरोना है जब भी मैं गोल्ड थो एकदम, जब तो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था भाई साहब उसमें भी जिक्के 50 नंबर की थी, लेकिन मैं गोल्ड थो मुझे कुछ नहीं आता था, तो कुछ भी ये जो राजा महाराजा अकबर दिल्ली से भाई साहब एकदम गोल्ड थो, अरे मैं यार साइंस पढ़ रहा हूँ मैं क्या पता, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2021 आई मैंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना लगा, मैं यार एक बार पढ़ के देखा यार ना पढ़ा तो पार ना पढ़े, तो भाई पढ़ो तो लग हाँ भाई इंटरेस्ट है, जो फैक्ट वगैरह पता लगी भाई कौन सो बांध कहाँ पर है कित के चाल रुदुन देश दुनिया की बात पता लगे है, तो मज़ा भी आई थी। 21 में और 22 में और 23 में 3 साल नॉर्मल पढ़ो मैं कुछ, वो 30 मार्क उन्हें भाई सीधी बात है जब ही आप खड़े हो, नहीं तो सिलेक्शन है ही जब तो। लेकिन इतना बता उस भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो ना आपसे ज़्यादा आओ उसमें जिक्के सीधी से बात, चाहे तो कोई हो तेरा ही ज़्यादा आओ। तो कुल मिला के मेरे कहने को मतलब से भाई मैं कोई वो कर रहा हूँ हाँ मैंने सबकी में आवा, लेकिन मैं मेरे अरे मेरे मैं कह के रहो उस पर मत जा, मेरी भावना मैं कहना के चाहूँ उस पर जा सीधी बात। मैं जो आपने कुछ भी जो और वो करूँ ना मतलब अरे क्या बोलो यार जो भी मतलब
मैं कुछ वो घमंड वगैरह ना करूँ, बस मैं असलियत बताऊँ, सीधी बात भाई, मेरा झूठ ना बोलो जाओ, मैं जो बोलूँ सच बोलूँ, सच के सिवा किवें ना बोलूँ, लेकिन मैं कुछ वो ना कह रहा हूँ अब भाई, हाँ मैं सब कुछ ही सूँ, लेकिन इतना कह रहा हूँ सूँ भाई मैं जो भी सूँ, तो भाई ल्यूसेंट मैंने कभी नहीं पढ़ी, तो आओ मिलकर फ्रेंड सब दोस्तों साथ पढ़ते हैं, आप भी नहीं पढ़ी है आपने भी कभी और मैंने भी नहीं पढ़ी है अगर, तो भाई ए वीडियो या वीडियो लाइक शेयर मत करियो, लेकिन जो इव जो पढ़ा इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूँगा वो ज़रूर लाइक शेयर करियो, क्योंकि उसमें मैं सरू के दो चैप्टर दो पेज मैंने पढ़ाए हैं बढ़िया, उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, सरू के दो पेजों में ऐसे हैं, सोच लो ल्यूसेंट है भाई, मैं सोचा करता क्या ल्यूसेंट नहीं सही आज आवाज भाई से भाई दो पेजा मैं पता लो आपको, ठीक है, तो बस यही एक नोटिस था, बाकी वीडियो अच्छे लग गए तो